तुम क्वारंटीन में रोजाना कोई ना कोई पोस्ट लगा रहे होते हैं, लेकिन ये वीडियो मैसेज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए भी कि एक तो रमज़ान में वैसे ही लोग मैंने देखा है बहुत बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के लिए पढ़ रहे होते हैं, ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम हर जगह देखते हैं, हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में अनफॉर्चुनेटली क्वारंटीन की वजह से वो तमाम लोग जो खुद आगे बढ़ चढ़ कर दूसरों के लिए करते थे वो बहुत मजबूरी का शिकार हो गए। बहुत सारे लोग हैं उनसे जो डेली वेजेस पे काम करते थे, बहुत सारे लोग हैं जो यू नो पर डे पे काम करके जो पैसे आते थे वो जाके अपने घर में उनका चूल्हा चलता था, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सैलरी बेस्ड थे लेकिन इतना लंबा जो क्वारंटीन का पीरियड किया है एक डेढ़ महीना, उसके बाद बहुत सारे लोगों को जॉब से फायर कर दिया गया। तो आई थिंक ये एक बहुत बेस्ट टाइम है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम आगे बढ़ चढ़ कर आए, वो सारे लोग जो कर सकते हैं जो उस चीज़ की इस्तेदात रखते हैं वो बढ़ चढ़ कर करें। एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा मैं आपको भी बताऊं ताकि हम सब मिलकर इसका पार्ट बन सकें। राशन ड्राइव है, बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे हैं और मज़ीद काफ़ी लोगों को करने की ज़रूरत है। एक बैग है जिसमें आप अपने पास से एक बैग बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 500 बैग्स दें या 1000 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करें, हर इंसान अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे एक बैग भी बना के किसी घर में अगर रखाता है उनके गेट पे यू नो बैल बजा के सामने रखते हैं चुपचाप खामोशी से, क्योंकि सफेदपोश लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी बात किसी से भी शेयर की जाए या किसी को पता लगे, या वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लिटरली जो सामने होता भी है उनको ज़रूरत भी होती है फिर भी वो मना कर देते हैं। तो ये वो मौका है कि जब हम खामोशी से इस तरह की नेकी करें, और ऑब्वियसली रमज़ान में तो नेकियों का बहुत सवाब भी बहुत ज़्यादा सवाब है, बट हमें इंसानी के तौर पे चीज़ें करनी है ना कि सवाब की लालच में। तो इसमें आटा है, आप इसमें चावल ऐड कर सकते हैं, चावल क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, जैसे कोई जिसकी जितनी यू नो रेंज हो वो उस हिसाब से कर सकता है। आप इसमें दालें डाल सकते हैं क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होती हैं, आप सॉल्ट डालें, मसाले डालें इसके अंदर, पत्ती हो गई, मिल पैक्स हो गए, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे घरों में जो बच्चे हैं उनको पीने के लिए दूध भी नहीं है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने घर में भर भर के खाने खा रहे हो और कहीं पर लोग किसी को एक वक्त का खाना भी ना मिल रहा, तो दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन। तो ये एक कंप्लीट बैग है जिसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि रेगुलर यूज होती हैं, लिटरली क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप अगर फॉर एग्जांपल 1 kg आटा, 1 kg चावल, थोड़ी थोड़ी मिकदार में सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी के घर का 2-3 वक्त का खाना आसानी से कर सकते हैं, जो कि किसी और के लिए आपके लिए शायद इतनी बड़ी बात ना लगे, किसी और के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो मैंने सोचा कि हम स्टार्ट करें, मगर फ्रेंकली स्पीकिंग जब हमें पता लगा कि कितने लोग हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ लोगों का काम नहीं है, ये 20 लोग, 25 लोग, 100 लोग, 1000 लोग मिलकर नहीं कर सकते। हम सबको अपना पार्ट प्ले करना है अपने अपने तौर से, हम सब जब अपना पार्ट प्ले करेंगे तभी जाके हम इन क्राइसिस को यू नो ओवरकम कर सकते हैं। तो यू नो इट्स टाइम टू शेयर a smile. मैंने अपना पार्ट किया है, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप अपना फर्ज अदा करें एंड टैग अस इन।